मनावर तहसील के कई ग्रामों का भ्रमण कर नफरत छोड़ो संविधान बचाओ यात्रा रविवार को चौथे दिन ग्राम जोधपुर वायल होते हुए मनावर पहुंची। तहसील कार्यालय के समीप करीब 30 मुद्दों पर चर्चा की गई। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाजवादी जात पात धर्म पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसके लिए समता और न्याय आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक राष्ट्र की एकता बनाए रखें। हर नागरिक को अभिव्यक्ति विचार और धर्म की स्वतंत्रता रहे। यात्रा में नर्मदा घाटी के गाँव गाँव से महिला पुरुष साथ चल रहे हैं। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।